हेलो गाइस, वेलकम टू क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी नेक्स्ट एएलपी का एग्जाम है जो कि कुछ महीनों में होने की पॉसिबिलिटीज है जो कि बताई गई है। और इसी एएलपी के एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा इंटरव्यू सेशन है जो कि मैं लेके आया हूँ उन स्टूडेंट की जो कि अपनी स्टूडेंट रह चुकी है पहले, जिन्होंने एएलपी की प्रिपरेशन करी थी और अभी 2 साल पहले जो है वो ज्वाइन भी कर चुकी है। तो हम लोग यहाँ पे आज आपको बुलाने वाले हैं पारुल से। और पारुल जो है अभी ऑलरेडी ज्वाइंड है, कानपुर के अंदर जो है अभी जॉब कर रही है, नोएडा से बिलोंग करती है। तो पारुल से जानेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कौन कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से टाइम दिया और कौन कौन सब्जेक्ट जो है वो बहुत डिफिकल्ट लगे तो उनको कैसे इन्होंने काउंटर किया। तो ये सारी जानकारी है जो कि इस वीडियो में मिलने वाली है और पारुल से उनके एक्सपीरियंसेस है जो कि हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले वेलकम पारुल, आपका क्लास 24 में स्वागत है। और अभी कैसे हैं आप, सबसे पहले ये बताइए। जी, थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। सेम एयर पारुल, सेम एयर। तो पारुल, कब एएलपी का आपके मन में आया, कौन कौन से एग्जाम दिए, कब ग्रेजुएशन कब खत्म करी आपने? आप मुझे लग रहे हो कि ग्रेजुएशन के बाद ही आपकी जॉब लग गई शायद, है ना? जी सर, मैंने डिप्लोमा किया है कस्तूरबा पॉलिटेक्निक फॉर वीमेन दिल्ली से। तो सर वहीं पर ही मतलब टीचर्स वगैरह बताते थे कि जेई डिप्लोमा के बाद जेई एएलपी इन सब के एग्जाम्स दे सकते हैं। तो वहीं से ही ये ख्याल आता था कि जे हम भी इसी एग्जाम्स को दें। और कौन से साल में देन डिप्लोमा उसके खत्म हुआ? बाद डिप्लोमा कौन से ईयर में खत्म हुआ? जी 2015 सर, मैंने 2015 में डिप्लोमा किया है। में डिप्लोमा किया, उसके बाद फिर क्या किया, डिप्लोमा के बाद जी फिर क्या किया? जी सर, तो फिर कॉलेज से ही मेरा प्लेसमेंट हो गया था लावा इंटरनेशनल लिमिटेड में। वहां पर मैंने 2 साल काम किया। अच्छा, देन फिर वहां पर मैंने जॉब क्विट कर दी। देन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। तो ये कब उसके करी थी बाद आपने, कब सर क्योंकि स्टार्ट करी थी, कितने टाइम तक जॉब करी? जी सर 2015 जून में मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, ज्वाइन कर ली थी। देन 2017 अक्टूबर में मैंने जॉब जो है रेजिग्नेशन दे दिया था। अच्छा, 18 में आपने देन रेजिग्नेशन है जो कि दे दिया था, जी सर, ठीक है, सेवेंटीन में जॉब टू थाउजेंड 17 सेवेंटीन में, में ठीक है। तो फिर उसके बाद कैसे जी सोचा कि कहाँ से प्रिपरेशन करें, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी, ऑनलाइन करी, क्या किया, मतलब मन में क्या था कि कैसे तैयारी स्टार्ट करेंगे? जी सर, कोई भी गाइडेंस नहीं थी। तो मतलब एक कोचिंग के बारे में सोच रहे थे, लेकिन कोचिंग की फीस देखकर अब क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो बाद में यूट्यूब वगैरह मतलब यूट्यूब से देखा कि आपका मतलब वाईफाई स्टडी उस टाइम आता था, तो वाईफाई स्टडी पर पढ़ते थे हम लोग। तो अरे वाह, सर अच्छा, आपसे जनरल नॉलेज एंड शिप्रा चौहान मैम थी एक जनरल साइंस, उनसे पढ़ते थे। तो सर यूट्यूब से ही तैयारी की थी। अरे वाह, क्या बात है, यानी कि कोई कोचिंग नहीं करी, सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाई करी और वहां से आपने सिलेक्शन ले लिया, जी सर क्या बात है, जी, बहुत यूट्यूब अच्छी से ही बात है। कंटिन्यू और जी। कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम आई कि, क्योंकि उसमें बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग भी है और भी कुछ है, तो ये बैकग्राउंड तो आपका था नहीं, पॉलिटेक्निक का बैकग्राउंड था, तो फिर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई और उसको कैसे हैंडल किया आपने? जी सर, क्योंकि डिप्लोमा में तो ऑलरेडी इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, हाँ, तो जो बेसिक सब्जेक्ट्स थे साइंस जीके इन सब से बहुत गैप हो गया था। तो फिर मतलब आपसे ही जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स बुने मतलब आप ही से ही पढ़ते थे। देन साइंस शिप्रा मैम बहुत अच्छा पढ़ाती थी, तो उन्हीं से ही कंटिन्यू किया। तो पारुल, हमें ये बताइए कि कब आपने एग्जाम दिया, कौन से साल के अंदर आपने एग्जाम दिया और कितने टाइम की आपने प्रिपरेशन करी है, मतलब जब आपने सोचा कि मुझे आज से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, और उसके कितने टाइम बाद में जो है आपका एग्जाम है जो कि हुआ था? जी सर, अराउंड 5 मंथ्स की मैंने सिंगल फोकस प्रिपरेशन की है एएलपी के लिए। उससे पहले भी मैं प्रिपरेशन करती रहती थी अदर एग्जाम के लिए, जैसे जेई के लिए। तो हाँ उसी हाँ उससे भी मेरी थोड़ी प्रिपरेशन थी। तो इसका सीबीटी फर्स्ट एग्जाम हुआ था 2019 में, जुलाई में हुआ था। देन उसका इसका रिजल्ट 2019 में नवंबर में आ गया था। फिर हमारा सीबीटी टू हुआ था फरवरी 2020 में। जस्ट कोविड से पहले है ना, मार्च में कोविड आ गया था। जी सर, चलो, बहुत अच्छी जी बात सर, है जी कि थोड़े से पहले हो गया। और उसके बाद में फिर रिजल्ट कब आया, जी फाइनल रिजल्ट कब आया? हाँ सर। फिर इसके बाद साइको टेस्ट हुआ था, हाँ साइको टेस्ट हुआ था। हाँ तो
जी सर, तो वो अप्रैल में हुआ, देन इसका फाइनल रिजल्ट हम लोगों का मई जून में आ गया 2020 सर। में आ और गया। ज्वाइनिंग का भाई अभी जी आपके 6 महीने बाद में ज्वाइनिंग आ गई उसके बाद 2021 में। अरे जी सर, ट्वेंटी वाह चलिए तो नाइन काफी जनवरी टाइम को के ऊपर है जो कि सारी 2021 चीजें। को ज्वाइनिंग आ गई थी। और साइको टेस्ट की आपने प्रिपरेशन कैसे करी, साइको टेस्ट को कैसे हैंडल किया? जी सर, साइको टेस्ट के लिए मैंने एक बुक खरीदी थी अच्छा जो कि, जी सर अच्छा तो उस बुक से साइको टेस्ट में इजीली हो गया। और कौन कौन से जी सब्जेक्ट सर, के अंदर जो नहीं है सर, वो यूट्यूब से प्रॉब्लम भी मैंने तैयारी की थी। वाईफाई स्टडी पर नीरज सर एक कोई पढ़ाते है? हाँ थे, हाँ नीरज तो सर उन्हीं से ही पढ़ा रहे थे। सीबीटी साइको हाँ हाँ टेस्ट की तैयारी की थी सर। रामवीर सर थे, रामवीर सर भी पढ़ा रहे थे उस टाइम पे, और जी सर, भी पढ़ा रहे थे, दो तीन साइको टेस्ट की तैयारी करवा रहे थे। और इसके अलावा जब आपने और कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आई जहाँ पे लगा कि यार ये सब्जेक्ट तो मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है, कैसे क्लियर होगा, कौन सा सब्जेक्ट लगा है साहब? सर मैथ्स तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो मैथ्स तो मैंने एक मतलब बुक से ही किया था, आर एस अग्रवाल बेसिकली। अच्छा लेकिन जनरल नॉलेज मुझे बहुत टफ लगती थी, तो सर मैं आप ही की वीडियो देखा करती थी, जो कि सुबह 8 बजे से करंट अफेयर्स आपके आते थे, तो वो रोज मैं रेगुलर फॉलो करती थी। देन जनरल नॉलेज भी वहीं से ही फॉलो किया, तो वहां से काफी अच्छे मार्क्स आने लगे। तो अभी भी मैं जैसे करंट अफेयर देखने होते हैं तो आप ही की वीडियोस देख लेती हूँ चलो सही है। और काफी। इसके अलावा ऐसे जी कौन सी सर, 5 बातें बच्चों को बताना चाहेंगे जो अब एएलपी की तैयारी करें, क्योंकि आप तो सीनियर हैं, अब आपको 2 साल हो चुके हैं ऑलरेडी ज्वाइनिंग के अंदर, और अभी पे ग्रेड क्या है अभी अगर मैं एएलपी की एक बात करूँ तो? 2 साल में प्रमोशन तो मेरे ख्याल से शायद 5 साल में या 7 साल में कुछ ऐसे है आई गेस। जी सर अभी 1900 पे ग्रेड है मेरा भी, अच्छा मतलब एक प्रमोशन भी हो गया है, तो 2500 मेरा हो गया है अभी। ठीक है। और अभी जी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जो एग्जाम देने वाले हैं उनको क्या 5 ऐसे चीजें बताना चाहोगे जिससे वो प्रिपरेशन में उनको मदद मिल सके? और ऐसी 5 चीजें बताए और भी बताइए जो नहीं करनी है प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि तो मुझे लगता है एलपी के बच्चे कई बार जो है बहुत ज्यादा सोचते हैं कि हम तो सीजीएल के लेवल का पढ़ लेते हैं मैथमेटिक्स और जीके को, एक काम करते हैं यूपीएससी का भी पढ़ लेते हैं इसी में ही, जितनी जरूरत पड़ती नहीं है एक्चुअली। आपने 5 महीने में एग्जाम क्रैक किया है तो इसका मतलब आपने बहुत ही लिमिटेड जो है ना इम्पोर्टेंट स्मार्ट स्टडी करी है। तो आप क्या बच्चों को राय देना जी चाहेंगी 5 ऐसी चीजें जो बच्चे के लिए काफी यूजफुल हो जो अब एलपी का एग्जाम दे रहे हैं? फर्स्ट तो मैं यही बोलूंगी कि इसका सिलेबस मतलब देख लें कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो बेसिकली इसमें साइंस, जनरल नॉलेज, मैथ्स एंड जीके आते हैं, तो और 10th लेवल तक का इसमें सब हाँ कुछ लेवल 10 सब्जेक्ट्स कंप्लीट आते हैं। करके। तो हाँ जी, तो पहले तो सब्जेक्ट्स यही मतलब इन्हीं पर ही फोकस करें। सेकंड चीज ये है कि इन्हीं से ही कहीं से ही सिंगल फोकस स्टडी करनी स्टार्ट कर दें, अपने जो भी करंट अफेयर्स के डेली जो भी करंट अफेयर्स आता है नोट करते हाँ चले नोट कर जाएं लो, नोट्स बना लो एक उनका। नोटबुक हाँ में। हाँ जी सर, और इसके अलावा बच्चों को देन कितना कोई बहुत थर्ड गंदी, हाँ बताइए। थर्ड चीज ये बताना चाहूंगी कि जैसे जो भी पढ़ते जा रहे हैं उसको बार बार रिवीजन करते रहें, जो भी आपका करंट अफेयर्स है जीके है, क्योंकि एग्जाम तक सब कुछ मतलब रिटेन रहेगा। फोर्थ हाँ चीज ये कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं लेकिन टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। उससे हमें पता चल पाता है कि हम हमारी बेसिकली प्रिपरेशन कितनी है, कितना कॉम्पिटिशन टफ है। सही जी है, सर, काफी अच्छी बात है। और कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए बच्चों को एलपी की तैयारी के टाइम पे? आपको लगता है कि कुछ बच्चे जैसे आपके साथ में कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने तैयारी करी होगी जिनका नहीं हुआ होगा, तो वो ऐसे क्या मिस्टेक कर रहे थे और आप जिससे आपको लगता है कि जो नहीं करनी चाहिए कि एलपी के तैयारी करने वाले बच्चे को? जी सर, बेसिकली मैंने ये देखा है कि मेरे साथ वाले भी जो लोग मतलब मेरे फ्रेंड्स थे, वो लोग पढ़ते बहुत थे, लेकिन वो जो अपने आप को चेक नहीं करते थे कि कितना पढ़ रहे हैं, टेस्ट सीरीज नहीं लगा मतलब टेस्ट सीरीज नहीं देते थे। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं टेस्ट सीरीज लगातार मतलब देते रहिए। उससे क्या होता है कि जैसे बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, उससे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता रहता है, सही बात तो लास्ट तक काफी अच्छा स्कोर आने लगता है। है, बहुत अच्छी बात है। और पारुल कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी आपको और आपके और भी कोई फ्रेंड थे जिनका साथ में हुआ जो आपके साथ में तैयारी कर रहे थे? जी अरे सर, जी, वाह हुआ है सर, मेरे बहुत साथ ही रहती हैं वो, शिखा शिखा सिंह अच्छा। है, उनका भी एएलएफपी में हाँ मेरे साथ ही हुआ था। अच्छा, और साथ में जी आप सर, हॉस्टल साथ में रह रहे हो अभी आप? जी सर,
अरे वाह, क्या बात है, ट्रेनिंग भी हम लोगों ने साथ में की है, साथ में रह भी रहे हैं, तो अरे वाह, ये चलो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन पारुल वंस अगेन। और आपकी जो जर्नी है, इससे काफी बच्चों को और मोटिवेशन मिलेगा कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से एग्जाम निकालने में उनको बहुत हेल्प मिलेगी। और इसके अलावा और आप बच्चों को, और क्या बच्चों को आप एक और ऐसी चीज बताना चाहोगे जो उनको फॉलो करनी ही करनी है आने वाले 6 महीनों के अंदर, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता? 6 मंथ का प्लान आप उनको एक लाइन में क्या बताना चाहेंगे? जी आप बेसिक से स्टार्ट करिए, बेसिक 10th लेवल तक की मैथ्स, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आप लगभग लास्ट 1 ईयर का आप करंट अफेयर प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है, उसी में ही उसमें से आ जाएगा सब कुछ देन ना, उसमें से कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी उसी में से ही काफी मतलब मैक्सिमम का सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच पारुल। और आपके इस सेशन से बहुत बच्चों को मदद मिलेगी, बहुत बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बहुत जगह पे इधर उधर जो है वो परेशान होते हैं। उनको बहुत बेस्ट कंटेंट ऑलरेडी मिल रहा होता है, यूट्यूब पे मिल रहा होता है, क्लासेस में मिल रहा होता है, लेकिन उसके बाद में भी वो इधर उधर परेशान हो रहे होते हैं। तो होपफुली आपके इस जर्नी से उनको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसी तरीके से आगे आप और भी एग्जाम की तैयारी करते रहें और एग्जाम करा करते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच जी पारुल फॉर थैंक यू जॉइनिंग। सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।